हेलो, हम नेक्स्ट हैं तो हमारा सेल जो है ना वो $80 हो चुका है। तो सबसे पहले हम जाएंगे शॉप हमारी जो कि क्लोज है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इसे ओपन कर लिया। बात है, यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ ना कि मैं क्या क्या परचेज कर सकता हूँ। तो फर्नीचर में जाके मैं आ सकता हूँ। तो फ्रिज $200 का है ना, तो मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में होगा। पहले मैं इस कस्टमर को जो है ना वो फारिग कर लूँ, तो इसे फारिग लेते हैं। तो ये $6 पे करना है, तो इसे हम पेमेंट ले लेते हैं। इसे भी हम इसको हमने $97 देना है, तो ये हो गए 5। लो जी, तो इसके मैंने $47 देना है, सॉरी, ये लो जी 47। तो हम इसे फिलहाल के लिए लीव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट्स में जाता हूँ कि देख लेते हैं ना यूनिट प्राइस किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट है। तो ये हम देखते हैं ब्रेकफास्ट में, इसको भी ये कार्ड कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, ये लो जी परचेसिंग कर लेते हैं। तो दोबारा से मैं काउंटर पे आता हूँ, तो इसको हमने पेमेंट देनी है। तो इसको मैंने $94 देना है, भी मैं जल्दी से फारे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको $6 देना है। जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं ना वो ज़्यादा मेरे लिए इजी होता है, तो इसे भी मैं देता हूँ। तो हमारी डिलीवरी भी आ चुकी है, तो हमें जो हमने जो प्रोडक्ट मंगवाई थी वो हमें डिलीवर हो चुकी है। तो इसे मैं सॉरी तो इसे मैं कर देता हूँ जी। तो इसको मैंने चेंज देना है $1 का, तो मैं फिलहाल के लिए लीव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें हमारे पास स्टॉक जो है ना वो कम पड़ गई है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और ये लो जी यहाँ पे मैंने रख दी, तो इसे मैं थ्रो कर देता हूँ। लो जी हमारा दूसरा भी आ गया, तो यहाँ पे मैं इसे प्लेस कर लेता हूँ। इसे भी थ्रो कर लेते हैं, तो इसे भी मैंने थ्रो कर लिया। सबसे पहले हम यूनिट की प्राइस जो है ना वो सेट कर लेते हैं। तो इसकी 2.99 प्राइस, चलिए हम कर देते हैं 2.6, सॉरी 6.2। क्योंकि हमारे लिए इनफ है ये, एक तो ये सेट नहीं होता। मैं सेट कर रहा हूँ 5.6, लेकिन ये हो नहीं रहा मुझसे। तो इसकी प्राइस भी सेट हुई, और यहाँ पे इसकी तो ऑलरेडी 3.2 है, ये नीचे जो है इसकी क्या प्राइस चल रही है 3.9। तो हम इसे करते हैं 3.2, तो सॉरी 3.3 कर लेते हैं। हेलो जी, तो यहाँ पे काउंटर पे आते हैं, काफ़ी सारे लोग आ गए। तो लो जी ये $3 इसको पे कर लेते हैं।
इसके हो गए 9.98, तो इसको हमने देना है 8.98, सॉरी जी हो गई। इसने भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करके लिए, हमारे लिए जो है ना इजी होता है। लो जी अब सेल जो है ना हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो देखते हैं कि क्या होता है। इसको हम $3 पे कर देते हैं, सॉरी $3 इसको हमने एक भी नहीं देना। हम चाहते हैं कि हमारा जो चेंज पेज है ना वो ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम ऐसा करेंगे कि ये चेंज पे हमारा टाइम ना ही लगे तो बेहतर है। तो अभी हमारी शॉप जो है ना ऊपर है, तो लो जी कस्टमर आ गए, तो होपफुली ये भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है ना परचेजिंग कर लें। थैंक यू। तो लो जी हमने $50 से स्टार्टिंग की थी, अभी हमारे पास बहुत सारा स्टॉक भी पड़ा है, उसके साथ जो है ना अभी हमारे पास $24 है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया, मैं दोबारा से इसको फारिग कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि हमारे पास स्टॉक है कि नहीं। है अभी थोड़ा बहुत स्टॉक रहता है हमारे पास, तो इसको पे कर देते हैं, ये भी कार्ड के थ्रू कर रहे हैं। तो लो जी काउंटर लीव कर लेते हैं फिलहाल, तो कुछ और मंगवाते हैं, देखते हैं कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा। तो ये यूनिट प्राइस पास्ता मंगवा ले, नहीं नहीं यार इतना नहीं करना, इसी भी कर लेते हैं। और इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है तो ये वाला कर लेते हैं, तो ये हमारी डिलीवरी भी हो जाएगी। लो जी इसका $12.6। तो अब शाम होने वाली है, $5.6 ये इसके हो गए। तो हमारी कुछ डिलीवरीज भी हो गई है, तो इसके मैंने $13 का चेंज देना है। सो 10 सेंट यार ये इशू कर रहा है, तो इसको हमने देना है 4.4 सेंट, तो इसको मैं $4 दे देता हूँ। लो जी ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इसका मैंने $94 देना है, तो इसे मैं रिसेट कर लेता हूँ। ये लो $94.40, $94 हो गए और इसमें से ये तुम्हारे 40 सेंट। तो शाम के 8 बज रहे हैं, तो देखते हैं कि हमारा आज का सेल कितना होता है। तो 5.6 इसका हो गया, ये लो तो 14.5 इसका हो गया, तो इसको मैंने $14 देने हैं, सॉरी $85 देने हैं, और उसके साथ 50 सेंट। ये लो तो इसको मैंने $46 देना है, और एक तीन चार। तो हम काउंटर को लीव कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना अभी हम इसे क्लोज भी करेंगे और दोबारा से नेक्स्ट डे के लिए हम करेंगे इसको, स्टॉक को पहले से रख लेंगे क्योंकि हमारे पास फिर इतना टाइम नहीं होता। तो मैं शॉप को बस बंद कर लेता हूँ, लीव करो काउंटर जल्दी से, वो हमारे पास स्टॉक भी नहीं है, इसे क्लोज कर दो। तो ये जो हमारे पास कस्टमर आ गए, इनकी से हम पेमेंट लेते हैं और इसको फारिग कर देते हैं। लो जी ये भी आ गए, तो इसको हमने $11 देना है और 70 सेंट देने हैं, तो हम लीव कर लेते हैं और जल्दी जल्दी से जाए ना इसको कर लेते हैं, क्योंकि हमारा दिन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। हमने इतना स्टॉक मंगवा लिया मे भी हमारे पास जगह कम पड़ जाए, तो इसे मैं थ्रो कर लेता हूँ। तो
कभी सुनिए बात करते हैं। इसी भी हम थ्रो कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ और इसको भी थ्रो कर दूँगा। पिछली दफ़ा हमने ऐसा किया था कि हमने उसी टाइम जो है ना प्लेस नहीं किया, तो हमारे लिए वो इशू बन गया था थोड़ा बहुत, तो इसे भी मैं थ्रो कर लेता हूँ। हमें किसी न किसी को तो हायर करना होगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम काउंटर को भी क्या टाइम दे दें और इसको भी टाइम दे दें। लो जी, ये भी प्लेस हो गया। सॉरी, तो इसको भी हम कर लेते हैं और ये शॉप जो है ना हम ओपन कर लेते हैं। नहीं, उससे पहले हम यहाँ पे इसे प्लेस कर लेते हैं क्योंकि प्राइस भी सेट करनी है ना, तो फिर वो सेंड का मसला होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस दफ़ा सेंड से भी अपनी जान छुड़ा दूँ। तो ये 5.6, तो मार्केट प्राइस इसकी चल रही है, तो मैं कर लेता हूँ इसकी $4 हम कर लेते हैं। ज़्यादातर काउंटर पे जो है ना हमारा टाइम वेस्ट होता है।